नमस्कार, मैंथावी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 2 अगस्त। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते का जो परफॉर्मेंस रहा है, जिसके अंदर एक हफ्ते के अंदर हमने 1% की गिरावट और पिछले एक महीने में 7% की गिरावट हमने मैंथावी में आते हुए देखी है। ओवरऑल अभी भी अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ओवरसोल्ड से अब निकलने की कोशिश कर रहा है, जहां RSI 36 के करीब है, CCI -104 के करीब है, ATR 26 के करीब है, MACD भी लोअर साइड से -13 तक पहुंच चुका है, ADX 23 के करीब है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में मोमेंटम आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। वहीं अगर हम मूविंग एवरेज वाइज देखें तो अभी भी मेजर लेवल्स के नीचे ही मैंथावी ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि जब तक प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता है, एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट में एक दबाव बना हुआ है। तो कल का पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 960 की हुई है और 200 मूविंग एवरेज करीबन 965 से 985 की रेंज की है। तो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मैंथा के लिए, बिकॉज अब ऑलमोस्ट सभी अराइवल मार्केट में आ चुकी है और धीरे धीरे जैसे आज महाराष्ट्र अनलॉकडाउन से ओपन अप हो रहा है, उम्मीद है कि आगे चीजें और ओपन अप होगी। इनके थर्ड वेव का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US, इवन केरला, यहाँ पे हमने देखे नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लॉकडाउन होता है फिर से तो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे इंपैक्ट करेगा, अदरवाइज मार्केट को थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मैंथा में हमने रिसेंटली जो गिरावट आती हुई देखी, इसमें का मुख्य कारण था जो एवरेज यील्ड है उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट थी वेदर कंडीशन को देखते हुए भी, जिसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब धीरे धीरे अराइवल्स तो कंप्लीट हो चुकी है, अब डिमांड की तरफ मार्केट मूव करेगा। टेक्निकली भी हमने देखा कि प्राइसेस 920 का जो लेवल है वो काफी अच्छे से होल्ड करता हुआ चल रहा है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जब तक प्राइसेस क्लोजिंग बेस पे 920 के नीचे नहीं जाता है प्राइसेस पॉजिटिव। बट आप चार्ट पे देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज जो करीबन 972 का लेवल है, और जब तक प्राइसेस 900 इसके ऊपर नहीं निकलता है, हम कहीं ना कहीं प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है कि 970 का लेवल प्राइसेस तोड़ता है कि नहीं, क्योंकि एक बार 970 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली हम ₹1000 के आसपास का भाव जल्द प्राइसेस में वापस रिगेन करते हुए देखेंगे। वेदर कंडीशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी कुछ जगह पे बौछारे हैं और एक्टिव काफी मानसून है। सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो जुलाई महीने में हमने देखा कि प्राइजेस जुलाई और अगस्त में हमेशा तेजी में रहता है, बट जुलाई के अंदर जो हमने 6% की गिरावट देखी है वो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट के अंदर अराइवल प्रेशर और साथ में बेटर क्रॉप के चलते ये दबाव था। तो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ के अंदर हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर रिकवरी रही, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड है कि पूरे 8 साल में 2 साल ही ऐसे थे जिसमें अगस्त के अंदर गिरावट थी, बाकी समय मार्केट हमेशा तेज रहा। पिछले साल भी हमने करीबन 4.5% की तेजी आते हुए देखी है। तो ओवरऑल आज के लिए मैंथावी को लेके चलिए, 958 का लेवल तोड़ने पे 970 तक का लेवल हम देख पाएंगे। दिन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, बट आफ्टरनून के बाद मार्केट में तेजी बनेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट देते हैं। साथ में हमारा मोबाइल ऐप है KDI एडवाइजरी, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।